नमस्कार, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्वतंत्र न्यूज झारखंड और ग्रीडी व्यू। आज मैं हूँ कोडरमा जिला के तिलैया शहर में। आज ये शहर हमेशा चर्चे में रहा है और ये फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा लगता है कहीं ना कहीं जैसे माहौल बनता जा रहा है ये बहुत जल्दी लेने वाले हैं। ये जिला आज फिल्मों का एक जो लोकेशन है इस जिला में भरपूर भरा हुआ है, जैसे हमारे रांची और धनबाद और बोकारो में है वैसा ही हमारा ये जिला में भी भरा हुआ लोकेशन। आज देख पा रहे होंगे हमारा जो लोकेशन है ये हमारा कौन सा झील है, ये झील रेस्टोरेंट, ये तिलैया शहर में है, तिलैया शहर से थोड़ा आगे है ये और तिलैया डीबीसी के पास। और आज हम इस शहर के जो ये झील रेस्टोरेंट में है, आज देखिए यहाँ पे शूटिंग चल रही है, ये गाँव यहाँ पे है। हमारे झारखंड के संस्कृति को बचाए हुए हैं ये झारखंड के कलाकार लोग हैं। आज झारखंड के कुछ लोग हैं जो गाने को बना रहे हैं और गाने को लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो भोजपुरी गाने पे उतरे हुए हैं। लेकिन हमारे झारखंड के कलाकार आज ये 60-40 नए चलतो या 1932 खतियान लागू करो ऐसे चीज़ को बहुत ज़ोरदार तरीके से हमारे कुछ कलाकार हैं झारखंड में जो सपोर्ट कर रहे हैं, खोटा गाना को लेके आ रहे हैं, खोटे गीत के साथ साथ अपने इस संस्कृति के साथ साथ अपने झारखंड के नाम को रोशन करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा झारखंड तभी विकास होगा जब हमारे झारखंड के गाने हमारे अदर राज्यों में बजेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस जो आज जिनका शूट हो रहा है, इस शूट में जो हमारे गायक हैं जिन्होंने इस गाने को खूबसूरत आवाज़ में सजाया है, जो लोग जब कल बंद करके आ जाएगा ये गाना हमारे मार्केट में तो उनके गाना को सुनेंगे लोग, तो आइए उनसे पहले बात करते हैं कि इस गाने को उन्होंने कैसे बनाया और आज कैसे शूट हो रहा है, कैसे तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले सुरेश सोनी जी, आपका स्वागत है हमारे स्वतंत्र न्यूज झारखंड और ग्रीडी व्यू में। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और ग्रीडी न्यूज और स्वतंत्र न्यूज झारखंड के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका भाई गायक सुरेश सोनी। आप ये बताइए सुरेश सोनी जी, आप ये जो गाना आप आज शूट किए हैं, जी जी जी, इस गाना का ये वीडियो कब तक आने वाला है? बस अभी तो शूट ही हुआ, एक दो दिन में तो आ जाएगा। एक दो दिन में आ जाएगा, बिल्कुल। और इस गाने को आपने बनाने में लगभग कितना दिन का समय खर्च किया है? देखिए, हम तो सबसे पहले ये जो मेरा गाना है मैं खुद से लिखा था, कि मेरा राइटर जो झारखंड के अच्छे राइटर हैं लाला सुजीत लाल जी, उन्होंने गाना लिख करके दिए थे। और जो एक सॉन्ग मैं किया मैया वाला सॉन्ग मैं खुद से कंपोज किया हूँ। खुद से किया जी। ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, झारखंड में कलाकार बहुत हैं, गाने बहुत बनते हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ कलाकारों के लिए गवर्नमेंट नहीं अभी तक किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? झारखंड सरकार की बात करेंगे तो सबसे बड़ी निकम्मा सरकार है, इसमें क्या कहना चाहिए सरकार को? कहना चाहेंगे देखिए, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो भी है सब्सिडी दे रखी है, लेकिन हम लोग के लिए झारखंड सरकार कुछ नहीं दे रही है। नहीं दे रही नहीं। यहाँ पे झारखंड के लिए कलाकारों के लिए क्या आवाज़ कलाकार उठाना चाहिए झारखंड सरकार की, हमारे झारखंड में भी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये सब में आप लोग का अहम भूमिका चाहिए, ताकि फोर स्तंभ आप लोग हैं, आप लोग आवाज़ उठाइए, हम लोग के साथ हैं, ऑलवेज साथ हैं। कहीं ना कहीं देखिए झारखंड का नाम ज़्यादा रोशन होने के लिए कलाकार ही सबसे बड़ा पहला आता है। जी जी जी, झारखंड का नाम रोशन करने के लिए कोई भी राज्य हो, नहीं नहीं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है तो माही सर धोनी जी का, उसके बाद झारखंड के कलाकार एक से एक हैं। झारखंड की नहीं, मेरा कहने का मतलब है अगर कोई भी राज्य का अगर नाम ज्यादा ऊंचा तक जाने लोग और जाता है तो एक कलाकार ही होता है जो अपने फिल्म के माध्यम से, गाने के माध्यम से दूसरे राज्य तक पहुंचा जी, कलाकार के माध्यम से ज्यादा पहुंचता है। बाकी तो झारखंड को तो धोनी के नाम से ही जाना जाता है और आज भी है उनके नाम से चर्चित। ये थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे, जो गाना अभी आपने शूट किया जी, तो ये गाना का था दो लाइन आप दर्शकों को गुनगुनाइए ताकि लोग इस गाना का इंतजार करें। देखिए मेरा एक जो गाना जो हुआ था जो एक पारंपरिक गीत है और क्या बोलते हैं मतलब अश्लीलता से ज्यादा चला हो, ज्यादा लोग सुना हो, जो पॉपुलर रहा हो, ऐसा कोई गाना? इंस्टा में भी काफी रील्स बन रहा है ये गाना मेरा, मैया गे मैया सुने मरबतिया सदिया कर बोगे, कि मैया गे सदिया कर बोगे नहीं तो जिया के हत बोगे, पागल जैसन हमारा दीने रतिया लागो हो गे, मैया गे सदिया कर बोगे नहीं तो जिया के हत बोगे। ये गाने में क्या है मतलब अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं शादी के लिए, और अश्लीलता से फुहर जो है ना फुहर से पूरा हट करके है, इस गाने को पूरे परिवार सुन सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या इसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आगे आपका क्या प्लानिंग है, इसके बाद गाना के साथ साथ क्या फिल्म के लिए भी तैयारी करना चाहेंगे या फिर क्या? हर एक गायक चाहता है कि पॉपुलरिटी मिले और तो फिल्म करे, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस एंगल से। फिल्म एक बार फिल्म मिला था लेकिन किसी कारण बस बैड लक हमने नहीं कर पाया, समस्या नहीं, हाँ बस एग्जाम, कुछ एग्जाम के कारण। अच्छा, आगे का आपका किस टाइप पे गाना ज्यादा लाना चाहेंगे, किस टाइप पे गाना आपका ज्यादा बचता है? देखिए जो भी गाना है अश्लीलता से हट करके गाना आएगा, जो पब्लिक को जो चाहिए वही गाना आएगा। लेकिन अश्लीलता की बात की अभी देखिए क्या है बिहार में इतना मतलब ये वो दिस दैट गाना आप लोग सुनते होंगे और उसी पर ज्यादा डांस वांस चलता है, चलता है।
लेकिन हम लोग जा रहे कुछ मतलब अश्लीलता से हट करके हर गाना की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं आप देखते चले हैं। बिल्कुल बचाए रखना है। देखिए ऐसे सिंगर हैं जो हमारे झारखंड की संस्कृति को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होने से रोकने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल साफ गाना पूरे परिवार के साथ सुनने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा गाना इन्होंने गाया और ऐसा ही गाना हमेशा गाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बिल्कुल अब देखिए ये सेट लगा हुआ है, यहाँ पे शूट चल रही है, हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं, वो डायरेक्टर साहब हैं, लोग लगे हुए हैं, और थोड़ा सा हम और जानेंगे इनसे। आपका इस गाना का डायरेक्टर कौन है? मेरा गाने का डायरेक्टर देखिए अभी तो फिल्म यहाँ पे जो वीडियो डायरेक्टर है, वीडियो डायरेक्टर अभी दिलीप लाल यादव, म्यूजिक डायरेक्टर भी है वो। हाँ म्यूजिक डायरेक्टर भी दिलीप, और ये करें कैमरामैन भाई साहब आपका, ये कैमरामैन का पता नहीं बट चंद्रवंशी से है, क्या नाम है? कुलदीप जी। कुलदीप जी ये तिलिया से ही जी, अच्छा कैमरामैन है, अच्छा कैमरा भी कर रहे हैं जी। और ये देखिए इनका इस वीडियो का जो डायरेक्शन का काम कर रहे हैं ये दिलीप लाल यादव जी हैं, और इनके साथ कैमरा में जो हैं कैमरा भाई भी हमारे आसपास के ही हैं, दिलीप जी हैं। और ये देखिए बिल्कुल ये जो रेस्टोरेंट है जी रेस्टोरेंट बिल्कुल सजा हुआ है, थोड़ा सा भैया दिखा दीजिए जो लोग इधर तो घुमा के थोड़ा सा दिखा दीजिए, जो लोग यहाँ अगर शूट करना भी चाहें तो इस जगह पर आप आ करके शूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बेहतर लोकेशन है यहाँ पर, और अच्छा सा सारा सुविधा दिया गया है यहाँ पर, लाइन हो या फिर खाने की व्यवस्था टोटली व्यवस्था है। तो थोड़ा सा बस देखिए ये जो लगा हुआ है सेट, यहाँ पे शूट चल रहा है, बाकी विशेष हम अगला वीडियो में दिखाएंगे अगले सिंगर के साथ। बाकी तब तक के लिए क्योंकि अभी सेट लगा हुआ है ज़्यादा हम हीरोइन वगैरह से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन शूट खत्म होने के बाद टोटली गाना के साथ एक बार हम उनसे फिर बात करेंगे और आपको मिलाएंगे कि आगे झारखंड की झारखंड में जो गाना बन रहे हैं उनमें उनको कैसे गानों का ज़्यादा ऑफर आया है और कैसे गाने उनके ज़्यादा चले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वतंत्र न्यूज़ झारखंड और ग्रिड व्यू। तब तक के लिए जय हिंद।